कुलदीप यादव वनडे में टॉप दो में पहुंचे, दो मैचों ने पलट दी किस्मत। कुलदीप यादव ने एशिया कप में अब तक 9 विकेट झटके हैं। इसी के साथ वह वनडे की एक खास लिस्ट में टॉप दो में पहुंच गए हैं। एशिया कप 2023 में टीम इंडिया ने फाइनल में अपनी जगह बना ली है। भारत को फाइनल तक पहुंचाने में कुलदीप यादव का काफ अहम योगदान रहा है। कुलदीप काफी शानदार फॉर्म में है और लगातार भारत के लिए मुश्किलों को आसान करते जा रहे हैं। वनडे वर्ल्ड कप से पहले कुलदीप यादव का ऐसा फॉर्म टीम इंडिया के लिए काफी अच्छे संकेत है। कुलदीप एशिया कप 2023 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। इसी बीच उन्होंने एक और बड़ा कारनामा किया है। वह वनडे की एक खास लिस्ट में टॉप दो में पहुंच गए हैं। कुलदीप का कमाल। कुलदीप यादव ने एशिया कप 2023 के सिर्फ दो मैचों में इतनी शानदार गेंदबाजी की कि वह अब एक खास लिस्ट में टॉप दो में पहुंच गए हैं। कुलदीप यादव ने एशिया कप में अब तक कुल 9 विकेट झटके हैं। कुलदीप यादव साल 2023 में सबसे ज्यादा वनडे विकेट लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में दूसरे स्थान पर आ गए हैं। कुलदीप यादव ने सिर्फ 15 मैचों में 31 विकेट झटक लिए हैं। इस लिस्ट में पहले स्थान पर नेपाल के संदीप लामिछाने हैं। लामिछाने ने 21 मैचों में 43 विकेट झटके हैं। कुलदीप अगर इसी फॉर्म में रहे तो एशिया कप के दौरान ही वह लामिछाने को पछाड़ सकते हैं। कुलदीप ने बनाया ये रिकॉर्ड। श्रीलंका के खिलाफ खेले गए मैच में कुलदीप यादव के वनडे क्रिकेट में 150 विकेट पूरे हो गए। इस गेंदबाज ने श्रीलंका के खिलाफ 4 विकेट लेने से पहले पाकिस्तान के खिलाफ बीते मुकाबले में 5 विकेट हासिल किए थे। कुलदीप सबसे तेज 150 विकेट हासिल करने वाले दूसरे सबसे तेज भारतीय गेंदबाज हैं। उन्होंने मात्र 88 मैचों में ये कर दिखाया है। कुलदीप से आगे सिर्फ मोहम्मद शमी हैं, जिन्होंने 80 मैच में ही 150 विकेट हासिल कर लिए थे। श्रीलंका के खिलाफ एक लो स्कोरिंग मैच में कुलदीप यादव के कारण टीम इंडिया ने वह मैच जीता और फाइनल में अपनी जगह पक्की की। उन्हें उनकी शानदार गेंदबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया है।